शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम आपको फिल्म राहु केतु के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की जन्म कुंडलियों के बारे में यहाँ विवेचन और चर्चा करने जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या था भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियों में कि वे दोनों ही भगवान के रूप में पूजित हुए, और उनके शत्रुओं का कैसे विनाश हुआ, और क्या क्या उनकी कुंडलियों में खास योग थे जिसकी वजह से उनको संकट भी सहने पड़े और भगवान भी बने। तो इस संबंध में सबसे पहले राम और श्री कृष्ण की कुंडलियां इस फिल्म में दिखाई जा रही हैं आपको, आप उन्हें गौर से देखें, हम पहले बता भी चुके हैं। अब इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों की कुंडलियों में लग्न में चंद्र है, और लग्न में जब चंद्र होता है तो कुंडली बलवान भी होती है, पूजित भी होती है, और कई राजयोग
और कई अन्य योगों की बनाने वाली भी बन जाती है। तो विशेषकर यहाँ पे जब भगवान राम की कुंडली को देखते हैं तो कर्क लग्न में गुरु और चंद्र ये लग्न में आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में लग्न में वृष लग्न में चंद्र बैठे। तो जहां राहु केतु की चर्चा कर रहे थे तो भगवान राम की कुंडली में छठवें स्थान पर राहु हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में छठवें स्थान पर केतु हैं, साथ में शुक्र और शनि भी हैं। ये खासियत है, भगवान राम की कुंडली में अकेले राहु हैं छठे स्थान पर, और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में तीन ग्रह हैं, केतु शुक्र और शनि। तो इसमें जो खास बात है वो ये है कि तमाम उदारता और सर्वगुण संपन्नता के बावजूद दोनों के जीवन की पूर्ण आहुति अस्वाभाविक मृत्यु के रूप में हुई, यानी कि दोनों की मृत्यु अस्वाभाविक हुई। तो दूसरी बात यह है कि सनातन परंपरा में निर्विवाद रूप से भगवान माना गया, किंतु दोनों की मृत्यु अपनी अपनी वृद्धावस्था में न्यायत ही अस्वाभाविक तौर तरीकों से हुई थी। वृष लग्न में जन्मे कृष्ण को तो हत्या का शिकार होना पड़ा, जबकि कर्क लग्न में जन्मे राम ने सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इसे इच्छा मृत्यु भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या समाधि लेना। या तो ये जब योग बनता है तब इच्छा मृत्यु या समाधि, या जो है उन्होंने जैसे सरयू नदी में डूब के आत्महत्या की है, ये भी कहा जा सकता है। तो दोनों के जीवन की अस्वाभाविक पूर्ण आहुति अस्वाभाविक मृत्यु के रूप में हुई है, क्योंकि दोनों की जन्म कुंडलियों में छठे स्थान पर शत्रु भाव में क्रूर छाया ग्रहों का वास है। छाया ग्रह यानी वही राहु केतु। राम के कष्ट स्थान में धनु के राहु तथा कृष्ण के इसी स्थान में तुला के केतु, इन दोनों की प्रभावशीलता के चलते ही दोनों का जीवन पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर सका। क्योंकि राम और कृष्ण दोनों के लग्न में चंद्रमा विराजमान था, इसलिए ये छाया ग्रह अत्यधिक प्रभावशाली भी बन गए। लग्न का चंद्रमा यदि दोनों की कुंडलियों में न होता तो निश्चित ही छाया ग्रहों की दृष्टि युति संगति से उनके लिए अस्वाभाविक मृत्यु का ऐसा मारक योग न बनता। लेकिन इतना जरूरी है कि लग्नस्थ चंद्रमा के अभाव में दोनों में से कोई भी तब भगवत्ता के उस शिखर को प्राप्त कर सकता था जिसके लिए उन्हें आज याद किया जाता है। कि यानी कि लग्न में अगर चंद्रमा न होता तो वे भगवान भी नहीं बन पाते, इतने पूजनीय भी नहीं बन पाते। और लग्न में चंद्रमा होने के कारण जो छठे घर में जो छाया ग्रह बैठे हैं राहु केतु, ये ही उनकी अस्वाभाविक मृत्यु के कारण भी बने, क्योंकि वो उससे ज्यादा प्रभावशाली हो गए और ज्यादा बलवान बन गए। तो लग्न के बलवान चंद्रमा के कारण जिस तरह राम और कृष्ण दोनों का भगवान बनना तय था, लग्न में जब बलवान चंद्रमा हो तो वो इंसान पूजता है, यानी उसकी पूजा की जाती है, भगवान बन जाता है। तो लग्न के बलवान चंद्रमा के कारण जिस तरह राम और कृष्ण दोनों का भगवान बनना तय था, उसी तरह उनकी अस्वाभाविक मृत्यु भी अटल थी। राम की कुंडली बनाते समय ही उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने उनके लिए जल से प्राण घातक संकट की भविष्यवाणी की थी। कृष्ण के विद्या गुरु सांदीपनी ने भी इसीलिए कृष्ण को सर्वदा सावधानी से रहने की सलाह दी थी, क्योंकि भाग्य स्थान में मकर का मंगल एकादश भाव में अंतिम राशिस्थ गुरु तथा अन्य कारक ग्रहों से दृष्ट होकर उनकी मृत्यु को असावधानी के कारण ही सुनिश्चित करता था। शत्रु स्थान से अष्टम भाव में शनि द्वारा आयु के घर पर दृष्टि होने के कारण
कृष्ण को अपने जीवन की चिंता अत्यंत सावधानी पूर्वक करनी आवश्यक थी, अन्यथा उनकी मृत्यु और पहले ही हो जाती। कृष्ण की कुंडली में शत्रु के स्थान का केतु यदि न होता तो वो बहेलिए के हाथों तो मारे न जाते, लेकिन किंतु फिर भी उन्हें हत्या का शिकार ही होना पड़ता, क्योंकि राम की तरह ही उनकी कुंडली में भी दो छाया ग्रहों राहु और केतु में से एक तो शत्रु भाव में था और दूसरा हानि के दृष्ट स्थान पर यानी 12वें घर में था। तो राम की कुंडली में शत्रु स्थान पर धनु के राहु का और हानि स्थान पर मिथुन के केतु का वास था, जबकि कृष्ण की कुंडली में शत्रु स्थान पर केतु था और 12वें घर में यानी हानि स्थान पर राहु था। ये दोनों में उलट पुलट है, यानी उनकी में उस जगह राहु है, उस जगह पर कृष्ण की में केतु है, और भगवान राम का जहां केतु है वहां कृष्ण का राहु आया। तो राम को अपने जीवन के प्रति कृष्ण जैसी सावधानी बरतने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनके षष्ठम द्वादश दोनों भाव में छाया ग्रह अकेले ही अकेले थे। ऐसी स्थिति में राम को खतरा स्वयं की विचारधारा से ही था, और वही तब फलीभूत भी हुआ जब उन्होंने विवाह स्थान में मकर के मंगल के कारण अपनी आंखों के सामने ही धरती में समाकर सीता द्वारा मृत्यु के वर्ण के उपरांत अपने लग्न में चंद्रमा के साथ प्रभावी गुरु के कारण अत्यंत मानस मंथन के बाद आत्महत्या करना ही श्रेयस्कर समझा, यानी इच्छा मृत्यु ही श्रेयस्कर समझी, समाधि लेना ही श्रेयस्कर समझा। कृष्ण की कुंडली में हानि स्थान में तो वृष का राहु एकमात्र ग्रह था, इसमें कृष्ण की कुंडली में हानि स्थान में राहु अकेला था, किंतु शत्रु स्थान में केतु जैसे छाया ग्रह के साथ तुला राशि शुक्र और शनि की भी युति बन रही थी। इसी कारण कृष्ण को अपनी विचारधारा से तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन शनि के कारण धोखे से शत्रु और शुक्र के कारण अपनी नीतियों से मिले अभिशापों से प्राणों का संकट उन्हें जरूर था, जिसका समाधान जीवन भर कृष्ण एकादश स्थान में मीन के स्वग्रही गुरु के प्रभाव से अपने प्रति बरती हुई अत्यंत सतर्कता से करते थे। स्वजनों से युद्ध के बाद थके हारे कृष्ण जैसे ही बीहड़ में झाड़ी की ओट में छिपकर असावधानी पूर्वक विश्राम पर गए, वैसे ही शत्रु स्थान में विराजित शुक्र के परिणाम स्वरूप गांधारी के अभिशाप का प्रभाव वातावरण में पसरा और शनि से प्रेरित शत्रु यानी बहेलिया ने मृग के धोखे में तथा हानि स्थान में मौजूद राहु से दृष्ट केतु द्वारा संचालित होकर उन पर तीर का संधान कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। राम के पास तो अपनी आत्महत्या को टालने का कोई ज्योतिषीय आधार नहीं था, किंतु कृष्ण यदि सचेत रहते तो उनकी हत्या टल सकती थी, क्योंकि पराक्रम स्थान में कर्क की उपस्थिति लग्न में स्वग्रही चंद्रमा से दृष्ट होकर भाग्य स्थान में धनु के मंगल से दृष्ट संयुक्त होने के बाद आयु स्थानिक स्वग्रही मीन पर प्रक्षेपित होते हुए वापस लग्न के स्वग्रही चंद्रमा तक जाकर तो दुर्लभ ज्योतिषीय वर्तुल बनता है। उसके तहत कृष्ण के चरित्र में नियति की तमाम गति युति और आशंका संभावना को पलने देने की अद्भुत शक्ति आ बसी थी। परस्पर विपरीत ध्रुवों के बीच अनासक्त और निरपेक्ष रहते हुए भी पूर्ण समर्पण का संपूर्ण समर्थ जीवन भी वह इसीलिए जी सके थे। विवाह स्थान के पूर्व भाव में तुला से शुक्र की संगति जहां उन्हें बहु स्त्री भोगी बनाती है, वहीं उन्हें ब्रह्मचारी भी साबित करती है। आय स्थान में गुरु की उपस्थिति उन्हें प्रखर सद्बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ निर्लिप्त सन्यासी और संपूर्ण भोगी जैसे परस्पर विरोधाभासों के एक साथ सफल बनाती है। सूर्य बुध चंद्र और गुरु के अंतर्योगों के कारण उनमें अपनी नियति को झुटला सकने की भी शक्ति थी, और दरिद्रता विद्वता जैसे अनेक संदर्भों में उन्होंने अपने आत्मबल से तत्कालीन फलितों को गलत साबित भी किया था।
लेकिन राम का जीवन काफी कुछ नियतिबद्ध था। आत्मबल के बूते नियति की गति पलटने जैसा सामर्थ्य उनके चरित्र में अगर कहीं भी नहीं दिखता तो उसके पीछे कारण यही था कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कृष्ण जैसी नहीं थी। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से राम की कुंडली कृष्ण की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध प्रतीत होती है। राम की कुंडली में अनेक कारक ग्रह ऐसी स्थिति में थे कि उनकी प्रभावोत्पादकता दुधारी हो गई थी। चतुर्थ स्थान में तुला के शनि ने या उन्हें बलिष्ठ भुजाओं वाला बनाया, वहीं स्त्री सुख में भी उनके लिए कमी कर दी थी। विवाह स्थान में मकर के मंगल ने या उन्हें उच्च पद प्राप्त कराया, वहीं उनकी पत्नी सीता की मृत्यु भी करा दी। यश स्थान में मेष के सूर्य ने उन्हें संसार में प्रतिष्ठित किया, वहीं घरेलू परेशानियों ने भी निरंतर उलझाए रखा। राम की कुंडली में एक विलक्षण पंचग्रही राजयोग था। राजयोग तो वैसे उनकी प्रतिद्वंदी रावण की कुंडली में भी था, जिसमें छह ग्रहों चंद्र, शनि, मंगल, सूर्य, राहु और गुरु की केंद्रीय युति दृष्टि थी। षडग्रही होने के बावजूद रावण का राजयोग राम के राजयोग से तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रभावी था और अनेक शुभ फलितों के बावजूद उसने राम के पक्ष में अशुभ परिणाम ही अधिक दिए। लग्न में ही तुला चंद्रमा के साथ शनि की युति ने रावण के समक्ष भाई बहन से वैमनस्यता तथा मौके पर पराक्रम में कठिनाई जैसी स्थितियां निर्मित की। इसी चंद्रमा ने उसे शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ जिद्दी, कपटी, भोगी आदि भी बनाया। सोने चांदी की प्रचुरता के बावजूद रावण के मानसिक असंतोष में भी लग्न के चंद्रमा और शनि की युति ने प्रभावी भूमिका निभाई। शत्रु स्थान में मीन के बुध और शुक्र ने रावण को यहाँ अनेक शत्रुओं वाला बनाया, वहीं दूसरी ओर शत्रु से पराजित होने की नियति भी उसके लिए तैयार की। विवाह स्थान में मेष के सूर्य के राहु के योग ने पत्नी मंदोदरी से उसके निरंतर मतभेद के लिए संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। राम से युद्ध के दौरान मंदोदरी द्वारा रावण को बार बार हतोत्साहित किया जाना भी उसके लिए पराजय और मृत्यु का कारण बना। आय स्थान में सिंहस्थ केतु ने उसे जीवन भर प्रपंची बनाए रखा, जबकि इसी केतु ने राम रावण युद्ध के दौरान राम की अत्यंत सहायता की। द्वादश भाव में मिथुनस्थ केतु के कारण ही राम ने शत्रुओं की फूट से हित साधने की क्षमता भी विकसित हुई, जिसके चलते रावण से तिरस्कृत उसका भाई विभीषण राम के साथ आ मिला और निर्णायक युद्ध के दौरान उसी के संकेत पर तीरों का संधान करके राम ने रावण का वध कर दिया। वैसे रावण की कुंडली में बने षडग्रही राजयोग में दशम स्थान के गुरु के कारण नरश्रेष्ठ राम से युद्ध और उन्हीं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष पाने की संभावना भी नियतबद्ध थी। तो ये राम और कृष्ण की कुंडली के मुख्य बातें हैं। अब इसमें जो और बातें हैं उनको मैं और विस्तार से बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में अगर हम गौर से देखें तो इसमें चौथे स्थान पर सूर्य है सिंह राशि में, और पंचम में बुध है कन्या राशि में, और मकर का मंगल नवम स्थान पर है और गुरु एकादश स्थान पर मीन राशि में। तो गुरु स्वग्रही है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और वहीं राम की जन्म कुंडली में जो है इसमें मकर का मंगल सप्तम में है और गुरु चंद्र जो है लग्न में है, और वहीं शनि जो है चौथे स्थान पे आया है और सूर्य पिता और कर्म का जो स्थान रहता है मेष राशि में दशम स्थान पर है। वहीं एकादश स्थान आय स्थान पर बुध आया है वृष राशि में, और शुक्र आए नवम स्थान पर मीन राशि में। ये भगवान राम की कुंडली है और वो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली थी। इनका अब जो वो हुआ, जैसे कि राम के उसमें राजगद्दी होते, राजतिलक होते, उन्हें वनवास हो गया, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ और वो जन्म लेते ही जेल से बाहर निकल गए और उसके बाद वो शत्रुओं से अंत तक मुकाबला करते रहे। तो इसके पीछे जो शत्रु स्थान के
श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में तीन ग्रह हैं, शुक्र शनि और केतु, ये इनकी वजह थी। ऊपर से फिर लग्न में जो चंद्र है, तो चंद्र की जो उनमें जो मानता थी विद्वता बुद्ध, और फिर गुरु आए उनके आय स्थान पर, तो ये चंद्र और ये गुरु इनकी युति जो बनती है शत्रु स्थान से, तो उन्हें सदा विजय दिलाती रही और हमेशा वे जीतते रहे और प्रखर बुद्धि रहे और उन्हें भगवत्ता की प्राप्ति हुई। ये लग्न का जो चंद्र है, वृष 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 लग्न थी, उसमें चंद्र आए तो वो भगवान श्री कृष्ण के लिए हमेशा फलद रहे। और जो मकर का मंगल आया, उसकी वजह से उन्होंने कभी महाभारत जैसा युद्ध जिताकर भी महाभारत का सम्राट बनने की इच्छा प्रकट नहीं की, क्योंकि वो हमेशा योगेश्वर स्वरूप में रहते थे, सन्यासी स्वरूप में। ये नवम स्थान का जो मंगल है मकर में, उच्च का मंगल है, मकर में जब मंगल आता है तो उच्च का होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत जैसा युद्ध जीता करके भी महाभारत का सम्राट बनने का प्रयास नहीं किया। और जहाँ तक इनमें भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में है, तो भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में चौथे स्थान पर शनि आने से या मंथरा कारण बनी, और वो कैकेयी ने उनसे दशरथ जी से वरदान मांगा और उन्हें संन्यास करा दिया। ये चौथा जो शनि है माता स्थान पर आया है और उसमें मंथरा कारण बनी थी, तो उसने ये खेल दिखाया था। तो ये भगवान राम और श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियों का विवेचन था जो हमने आपके सामने यहाँ इस फिल्म में प्रस्तुत किया। अब आने वाले समय में, जैसे कि अगली साल 6 मार्च 2019 को राहु केतु अपनी स्थिति बदल रहे हैं, और ये राहु जो है इसके बाद में मिथुन में पहुंच जाएगा और केतु धनु राशि में आ जाएगा। तो राहु जब मिथुन में होते हैं तो उच्च के होते हैं, और केतु जब धनु में होते हैं तो उच्च के होते हैं। अब ये उच्च उच्च के होकर के आ जाएंगे और उच्च के अगली साल ये 6 मार्च से हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि ये अगली साल से आज जो स्थिति है उसका एकदम से उलट पुलट सामने आएगा, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो या अन्य कोई भी स्थिति हो। और अगली साल काफी ग्रहों का परिवर्तन है, इधर गुरु भी बदल रहे, शनि भी बदल रहे, और राहु केतु 6 मार्च को बदल ही जाएंगे। तो राहु केतु वैसे तो इसी साल ही 2018 में अक्टूबर से प्रभावहीन होना शुरू हो जाएंगे, उनका प्रभाव जिन पे बुरा चल रहा होगा वो समाप्त तो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 6 मार्च को पूरी तरह से जब ये राशि बदल देंगे तो पूरी तरह से ये जैसे छप्पर पलट जाता है वो वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। वीर भया अण भार जगत में, वीर भया अण भार जगत में, वीरा ऊपर वीर भयो, तमर वंश रो मान बढ़ावण, राजा राम सा वीर हुयो। जय जय तमर राम सावी, जय जय राजा राम सावी, जय जय तमर राम सावी, जय जय राजा राम सावी। विक्रमादित्य पुत्र कही जे, राजा मान रो मान बन्यो, ग्वालियर धरती तमर वंश में, क्षत्राणी एक वीर जन्यो, चंद्र वंश रा वीर आरिया, चंद्र वंश रा वीर आरिया, भारत भुजागी,
जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी, जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज हम भगवान श्री कृष्णाष्टक का पाठ करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का जो श्री कृष्णाष्टक, इसकी बहुत महिमा गाई गई है और ये अति उत्तम श्री कृष्णाष्टक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसका नित्य पाठ करने से निसंदेह समस्त दुख, समस्त संकट, सारी व्याधाएं दूर होने लगती। ओम जय श्री कृष्णाय नमः, ओम जय श्री गणेशाय नमः, ओम गुं गुरुभ्यो नमः, ओम गुं गुरुभ्यो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। करारविन्देन परामृशन्तं पदमाक्षमालां शिवरूपिणन्तं पीताम्बराध्यान निमग्नचित्तं श्री स्वामिनं राष्ट्रगुरुं स्मरामि। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाष्टक भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणु हस्तकं अनंग रंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं मनोज गर्व मोचनं विशाल लोल लोचनं विधूत गोप शोचनं नमामि पद्म लोचनं करार विंद भूधरं स्मितावलोक सुंदरं महेन्द्र मान धारिणम नमामि कृष्ण वारिणम कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांगनेक बल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया स गोपया स नंदया युतम सुखैक दायकम नमामि गोप नायकम सदैव पाद पंकजम मदीयमान से निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम भुवो भरावतारकम भवाब्धिकर्ण धारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चौरकम द्रगंत कांत भंगिनम सदा सदाल संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषन्न निकंदनम नमामि गोपनंदनम
नवीन गोपनागरं नवीन केलिलंपटं नमामि मेघ सुंदरं तडित प्रभाल सद